लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। बुलंदशहर के निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से हादसा, मलबे में दबे 32 मजदूर। बता दें कि पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में घायल होने वाले 4 मजदूरों की हालत नाजुक बताई गई है। गंभीर घायलों को हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। निर्माणाधीन मकान में लेंटर डालने के दौरान हुआ ये बड़ा हादसा। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ बदायूं हाईवे पर स्थित घर में हुआ ये बड़ा हादसा। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए आलम टाइगर की रिपोर्ट। शिकारपुर में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से लगभग 34 मजदूर घायल हुए थे। मजदूरों को निकालकर लोकल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जिसमें 4 को थोड़ा ज्यादा चोट आने के कारण उन्हें जिला अस्पताल बुलंदशहर भेजा गया। अभी तक किसी के बहुत ज्यादा गंभीर चोट या मृत्यु की कोई रिपोर्ट नहीं है। लापरवाही बरते जाने की उसमें लापरवाही का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, बाकी अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें घायल जो है 2-4 लोग हैं जो जिनको मालिक जो है मतलब की जगह ले गया बुलंदशहर। इसमें टोटल जो है उनसे मालूम करा गया था, जो लेबर काम कर रही थी, जो लेंटर डाल रही थी, उसके ठेकेदार से बात करी। उस ठेकेदार ने कहा हमारे आदमी पूरे हैं, आज में वो अपने आदमी को मिलेगा। सर मॉडल लाल दरवाजा, ऐसा 2 मशीन लग रही थी, दोनों मशीनों में माल हाथों पर तैयार हो रहा था ना, तो उस पर लोड इतना पड़ गया कि जरूरत से ज़्यादा माल पहुँच गया, इसके कारण ये नहीं चुप पाएगा। मेरा इसके अंदर फिलहाल जो थे वो सब पूरे लेंगे यहाँ से, 2 आदमी रह गए जो मैं खुद लाऊँ निकाल के, उन्होंने लेंगे फिलहाल ठीक है यहाँ से, फिलहाल कोई नहीं है सर।